सांसद महोदय तो आज तक भेंट करने नहीं आया, आज तक तो हम लोग देखे भी नहीं है, और उनका पूरा विरोध करेंगे, समझे। और आज हम लोग यहाँ वोट नहीं करेंगे उसको, क्योंकि आज तक वो आए ही नहीं, हम लोग देखे ही नहीं अभी तक 10 साल में, जमीनी स्तर पर कोई काम ही नहीं हुआ है। बच्चा डूब जाएगा, इतना पानी हो जाता है, जाने में परेशानी होता है, मतलब जितना बच्चा लड़का स्कूल के जाता है सब यहाँ डूब जाएगा, मर जाएगा, इसका रिस्क कौन लेगा, नाला दोनों बगल जाम हो गया। वासुदेव और आप देख रहे हैं सम्यक समाचार। मुजफ्फरपुर जिला के मोहिनी पंचायत में है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि रास्ता पर ये लोग पेड़ लगाकर अनोखा विरोध कर रहे हैं। एक केला के पौधा लगा करके यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग जो है जो अनोखा विरोध कर रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि ये रोड को मतलब किसी भी फंड से एकदम जल्द से जल्द बन जाए, क्योंकि यहाँ पर 1 फीट से 2 फीट तक पानी हमेशा लगा हुआ रहता है। बारिश हो जाने के 20 दिन तक लगातार यहाँ पर पानी निकासी का साधन है, इसलिए पानी हमेशा लगा हुआ रहता है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम पहले बात करते हैं, उससे पहले हम बता देते हैं कि जब पंचायती राज का चुनाव होता है तो आधा से ज्यादा लोग नामिनेशन दे करके समाज सेवी घोषित कर देते हैं। जहां देखिएगा तो कर्मठ सुजोग युवा उम्मीदवार, कहीं नहीं देखिएगा बुजुर्ग उम्मीदवार, सब जगह उम्मीदवार के लाइन लगा हुआ रहता है। जब इस तरह का काम आता है तो ये लोग युवा लोग आते हैं सामने, और 70 साल के बुजुर्ग जब खड़ा होते हैं तो वो भी लगते हैं कि युवा उम्मीदवार, और अपना बैनर चमका देते हैं और न जाने कितना पर्व का शुभकामनाएं देने में लग जाते हैं। और जब इस तरह का समाज सेवी काम करने का जब उनको कहा जाता है तो वो काम नहीं करते हैं। और जब चुनाव आएगा, अभी हाल ही में 2024 में चुनाव है, तो वही लोग सजेशन देने आएंगे युवा को जो फलाना विकास वाला है, चिलाना विकास वाला है, और काम करना होगा तो विकास कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो आइए कुछ लाए उनसे हम पूछते हैं। आप लोग इधर आ जाइएगा, सड़क पर ये किस लिए केला के पौधा लगाए हैं? क्या नाम हुआ भाई साहब? चंद्र कुमार। सड़क पर पौधा लगाए हैं, क्या है आपका मतलब समस्या क्या है? समस्या है कि पानी जमा हुआ रहता है जी, आने जाने में परेशानी होती है जी, बहुत ज्यादा आता है, माने होता है कि माने गाड़ी चलना कभी बैग वाला गिर जाता है, कभी कुछ होता है, बच्चा डूब जाएगा, इतना पानी हो जाता है, जाने में परेशानी होता है, मतलब जितना बच्चा लड़का स्कूल के जाता है सब यहाँ डूब जाएगा, मर जाएगा, इसका रिस्क कौन लेगा, नाला दोनों बगल जाम हो गया, नाला दोनों बगल जाम हो गया, नाला जाम होने के कारण पानी साधन नहीं निकलने के कारण है। जी यहाँ पर बच्चा सब मतलब देखिए इतना को बच्चा कैसे जाएगा, डूब जाएगा इसमें। और में स्कूल है, और स्कूल में ये पानी हेल करके आपके छात्र को जाना पड़ता है, और जाने समय जब 1.5 फीट पानी लगा हुआ है तो ये चप्पल कैसे पहन करके मतलब जाएगा। तो ये आप समस्या है, आप देख सकते हैं कि सांसद महोदय यहाँ पर आते हैं लेकिन उनका ध्यान नहीं जाता है, और भादो के मेढक के तरह जब चुनाव आता है तो लोग आ जाते हैं ग्रामीण को माताएं बहनों को सजेशन देने के, वो नेता बढ़िया हथिन तो वो नेता अच्छा हथिन, और जब काम का बात आता है तो कोई नहीं आता है सामने। क्या भाई साहब क्या नाम? हाँ वही है, सब बच्चा लोग आता है ना पढ़ने तो गिर जाता है। अच्छा, दोनों तरफ से नाली जाम हो चुका है। अच्छा हाँ, 2 फीट नाला नहीं बन चुका है, 2 से 2.5 फीट गहरा है। अच्छा, पानी जम जाता है और 200 से 300 मीटर तक रोड खराब है, बिल्कुल खराब है। यहाँ पर नाला नहीं है, सात निश्चय के तहत नाला का प्रावधान है, 7 निश्चय का काम नहीं हुआ है यहाँ पर? नहीं, एक भी काम नहीं हुआ है, कोई भी नल जल का काम हुआ होगा ना जी? हुआ है लेकिन कहीं पर पानी अभी नहीं किया है। क्या बोले? नल जल का काम हुआ है लेकिन पानी कभी अभी नहीं किया है, शुरू ही नहीं हुआ। 2 दिन भी नहीं नल जल में पानी आया है, 5 दिन भी नहीं नल में पानी आया है, मतलब नल नहीं है। ग्राम हुआ हम लोग का पुरुषोत्तमपुर थाना कुढ़नी जिला मुजफ्फरपुर पंचायत किशनपुर मोहनी वार्ड नंबर 14। तो ये पौधा किस लिए लगाया है दिखाइएगा थोड़ा इधर, पौधा किस लिए लगा करके विरोध करने का नया तरीका आप लोगों को देखे? क्या करें, इसमें पौधा लगा दिए हैं लोग, बच्चा लोग सजाता है पढ़ने गिर जाता है उसमें। अच्छा, सांसद महोदय जी आप देख लीजिए, आपका विकास दिख रहा है, कितने बार से है मतलब ये दूसरा टर्म है ना उनका? हाँ, अजय निषाद जी का दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म है। लोग तो गांव ग्राम के है, दूसरा आदमी है, पूछिए उनसे बाहर। चलिए कुछ भाई साहब उनसे पूछते हैं। ये मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ पर स्कूल जाने में बच्चा को कठिनाई होता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि सर, किनका है? सांसद महोदय तो आज तक भेंट करने नहीं आया, आज तक तो हम लोग देखे भी नहीं है, और उनका पूरा विरोध करेंगे, समझे। और आज हम लोग यहाँ वोट नहीं करेंगे उसको, क्योंकि आज तक वो आए ही नहीं, हम लोग देखे ही नहीं अभी तक 10 साल में, जमीनी स्तर पर कोई काम ही नहीं हुआ है, चीन में नहीं करते। देखिए चाचा, आप भी नहीं जानते हैं सांसद जी को? हाँ जानते, नाम खाली सुनते हैं। अच्छा, लेकिन आज तक मैंने चेहरा नहीं देखा।
ये करिया है कि गोर है। विकास के नाम पर वोट दिया जाता है, उसमें सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मेरे गांव का विकास यही है जी, कि 250 या 300 मीटर भाई फीट रोड जो है जी, गड्ढा बन चुका है। कखनी कोई गिर जाता है, कोई भर दिन 10 को गिरता है, भर दिन इसमें भर दिन 10 को गिरता है इसमें। तो देख सकते हैं चाचा का कहना है कि दिन भर में कम से कम 10 लोग यहां से जाते हैं तो गिर जाते हैं, और यहां तक कोई देखने नहीं आता है, कोई नहीं देखने आता है। हालांकि नाला के लिए जमीन इधर उधर हर जगह जमीन है, नाला के लिए जमीन है, इधर भी उधर भी दोनों तरफ है। अच्छा, दोनों साइड। फिर भी नाला बनाने के लिए पानी निकासी उस पर किसी का ध्यान नहीं है। पंचायत का जब चुनाव होता है तो जो लोग आपसे परामर्श देने आते हैं आपको कि चाचा उनको वोट दीजिए, डायरेक्ट सांसद महोदय आपके यहाँ नहीं आते? नहीं आते वो लोग। जो आपका बिचौलिया कहाँ है? वो गायब है। काहे गायब है? अंडरग्राउंड कहाँ खोजने फिर मारपीट करे उसे? नहीं, मारपीट करने की जरूरत नहीं है, उनसे काम करवाना है, कहिए उनको काम करवाएंगे ना। वो अब भेंट कर मेरे काम करवाएंगे। फिर 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो डायरेक्ट किन से बात कीजिएगा, बिचौलिया से या फिर सांसद महोदय से? किन से बात कीजिएगा? सांसद महोदय से बिछलिया आता है तो उधर देख करके वो अपना चल जाता है, उसका कोई भरोसा क्या कर, वही ना है बिचौलिया मुसला कर चल जाता है वोट मांगने, बिचौलिया उसके बाद मुसला करके वोट ले लेना है। अच्छा, वोट लेना है। आइए करा बार आया, देखा जाए पानी है तो बस बैक हो गया, ये जनता कुछ पूछ देगा हमसे। आप लोग अभी फोन करके बुला सकते हैं, आएंगे वो आदमी ना, वो ना आएंगे, ना करेंगे महाराज, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ना नहीं आएगा। क्यों नहीं आएंगे? नहीं आएगा जन, सब क्षेत्र है यहाँ पर, समस्या है पब्लिक को, क्यों नहीं आएंगे? कोई नहीं आएगा ना, ना वो सांसद महोदय आएगा। क्या बोले, 10 साल से अभी तक, 10 साल से अभी तक आए नहीं, हम लोग देखे नहीं कि सांसद महोदय है कैसा है। वो विधायक भी नहीं सुन रहे, कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है। जब जीतेगा तब, और अजय निषाद जी का तो पूरा विरोध होगा यहाँ, अजय निषाद जी का पूरा विरोध, विरोध पूरा विरोध। विकास के काम कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, कोई विकास के नाम नहीं। आप विकास तो देख रहे हैं ना, विकास देखिए क्या है, ये कितना विकास हुआ नहीं हुआ इस गांव में देखिए, जो है आँख के सामने समस्या हमको दिख रहा है। और भी समस्या, और भी समस्या, एक और नल जल का समस्या है मेरे गांव में। अच्छा, नल जल का समस्या है, जो किसी के दूरा पर नल नहीं है एक भी। जब पहले 5 साल विकास नहीं हुआ तो आप लोग किस लिए दोबारा उनको वोट करके दे करके जिताए हैं? वो आते बहला फुसला कर हम लोगों का, बहला फुसला में वोट देना है आपको, तो फिर उसमें चले जाएंगे लोग और आपका समर्थन के लोग आ जाएंगे, आप लोग उनको वोट दे दीजिएगा। बोले से अब की बार हो जाएगा, ये सब काम होगा, इसीलिए हम लोग यही विश्वास, अगली बार के उम्मीद में दोबारा आप लोग बना दिए, अगली बार के उम्मीद में ये भाई साहब लोगों ने दोबारा संसद बना दी का विकास। ये भाई लोग हमको दिखा रहे हैं कि आइए आपको बताते हैं, यहाँ 2 टर्म से यानी कि लगभग 8 साल से सांसद है और 9 साल से सांसद है, और उनका विकास ये लोग दिखा रहे हैं घूम घूम करके रोड में। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर बच्चा स्कूल जाएंगे और यहाँ से, और बच्चा क्या बाइक से भी जाइएगा तो वहाँ पर गिरने की संभावना है, और वहाँ पर लगभग देख लीजिए, ये जो कॉन्ट्रेक्टर बनेंगे कोई लोग, तो ये गरीब कॉन्ट्रेक्टर नहीं होंगे, पैसे वाले कॉन्ट्रेक्टर होंगे, और उसके खिलाफ यदि कोई यहाँ का युवा बोलेंगे तो उनको सरकारी काम में बाधा पहुँचाने के नाम पर जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन ये भ्रष्टाचार किसी सांसद को, किसी विधायक को और किसी मुखिया को दिखाई नहीं देता, और यहाँ पर जब कोई युवा यहाँ पर आएंगे और सवाल करेंगे तो बोलेंगे कि तुम नेता बनते हो, और उसको इतना डरा धमका दिया जाएगा कि उसको मतलब वो खोजेंगे ही नहीं, और उसी भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर के वो लोग अपना कमीशन ले लेंगे, और फिर ये रोड जैसा था वैसा ही रह जाएगा। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, देख रहे हैं सब, देखिए ढाकर चला गया, देख नदी में चला गया, देख लीजिए ढाकर का पूरा ये रोड चल गया नदी में, खड्डा है, और ये खड्डा का वजह क्या हो सकता है जान सकते हैं कि जो 100% जो काम का आवंटन का जो इनका पैसा आता है उसमें 60 रुपया खर्च होता है और 40 रुपया बिचौलिया और ठेकेदार और दलालों के भेंट चढ़ जाता है, और वो 500 खड्डा है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि 1 किलोमीटर में 500 से भी अधिक खड्डा है, मतलब खड्डा में रोड है कि रोड में खड्डा है पता ही नहीं चल रहा है। और जब ये जो आवंटन होगा और ये इसका एस्टीमेट बन के आएगा और यहाँ का कोई नौजवान साथी खोजने जाएंगे तो इनको टारगेट करके
इनको मतलब जेल भेजवाने का भी काम कर दिया जाएगा, डरा करके किसी भी तरह से बड़े बड़े माफियाओं को ठेकेदारी मिलने के बाद ये लोग सवाल करेंगे कि नहीं सीमेंट के अकॉर्डिंग काम होनी चाहिए, तो वही ठेकेदार बोलेंगे कि तुम नेता बनते हो, और इनको हो सकता है कि बगल में जा करके कोई आदमी से उनका परिचय लेकर के जेल भी भेजवाने के काम किया जाएगा। तो ये लोग आइए जानते हैं कि डरेंगे या फिर रह के काम कराएंगे। यहाँ पर जब काम होगा तो काम करवाइएगा चाचा आप लोग अच्छा से। सब आप आ रहे थे वहाँ पर, खड्डा में कोई तकलीफ हुआ है गाड़ी चलाने? परेशानी काफी ज्यादा हो रहा है सर, काफी ज्यादा परेशानी हो रहा है, गिरने से बच गए, काफी साइलेंसर डूब जा रहा है, साइलेंसर डूब जा रहा है। भाई साहब का कहना है कि हम यहाँ पर बच्चा को लेकर के स्कूल पहुँचाने जा रहे हैं, उसको मारा था 15-20 दिन से ऊपर रहता पानी, बारिश के 15-20 दिन तक पानी जमा रहा है, निकासी का कोई संसाधन नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, कोई संसाधन नहीं है। नाला वहाँ पर क्यों नहीं बना अब तक, आप लोग ने खोदे कभी? कितना बार खोजे नहीं बना है, और बोलता है अब बनेगा बनेगा, अब बनवे नहीं करता अभी तक नाले नहीं बनता है, बोलता है सब बनेगा बनेगा, कब प्रयास में लगे हुए हैं। इनका कहना है कि हमेशा आश्वासन दे दिया जाता है कि आज बनेगा, कल बनेगा, अगले टर्म में बनेगा, लेकिन आज तक बना नहीं है, क्या यही ना कहना? हाँ यही कहना है। क्या कीजिएगा? आज बनेगा कल बनेगा लेकिन बनता नहीं है, फिर बनेगा, बनेगा 13 रुपए 13 रुपए देंगे।